हाँ जी नमस्ते। हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें या तो ओनरशिप होती है, या तो ओनरशिप आप दे देते हो किसी को, या किसी से डेट मतलब उधार ले लेते हो। तो इसके अंदर हमने देखा था कि शेयर्स, मैं आपको बताऊंगा शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स और डेट के अंदर आप देख लोगे कि बॉन्ड एंड डिवेंचर्स काम की चीजें ये तो होगी। तो क्या आप इसको जो ओनरशिप आपको देती है क्या उसको आप ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो? तो ये शेयर और ये प्रेफरेंसेस है, ये होती है ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट। समझते हो आप, चौथी पांच में जाते थे इंस्ट्रूमेंट नहीं होती थी, बॉक्स, उसके अंदर आप सारे के सारे क्या रखते थे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट रखते थे, प्रकार और वगैरह वगैरह जो गोल करने वाला और कोण बनाने वाला है। अच्छा, और ये जो डेट में आते हैं बॉन्ड और डिवेंचर्स, क्या इनको हम डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते? डेट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको कोई भी कभी भी पूछ ले कि डिबेंचर्स क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट रहना चाहिए क्या कि डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर एक लोन लेने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बॉन्ड क्या है, इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। अभी उधर हमने देखे थे मनी मार्केट में, देखे थे ना ट्रेजरी बिल्स और वगैरह वगैरह सब मार्केट के, वो भी तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो ये दो चीजों में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, डेट इंस्ट्रूमेंट एंड ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट। हम इस कैपिटल मार्केट में हैं जहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट है सिक्योरिटी मार्केट, दूसरा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और तीसरा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सिक्योरिटी मार्केट में हमने कहा सिक्योरिटी मतलब जहाँ पैसा जनरेट किया जाता है कंपनीज के द्वारा, इसमें नॉट ओनली कंपनीज मतलब इंडस्ट्री को ही नहीं सरकार को भी पैसा चाहिए। तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है कि नहीं भाई। गवर्नमेंट भी पब्लिक फाइनेंस में हम देखेंगे, ये पब्लिक फाइनेंस का जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है गवर्नमेंट के लिए, उसका मतलब सिक्योरिटी मार्केट बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है कि नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। और गवर्नमेंट कुछ भी अपने, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई के द्वारा जो बैक किया रहता है भाई, आरबीआई सपोर्ट करती है ना गवर्नमेंट को पैसा लेन देन, पैसा जनरेट करने में। आपने टर्म सुनी होगी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या आती है, सिक्योरिटीज में शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड व्हाट नॉट। मतलब यहाँ पे मैं कौन सा कलर लूँ, ग्रीन कलर लेके लिख दूँ, ये लोन और अभी मैंने लोन नहीं, ओनरशिप एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर सारे इसमें क्या होते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, ओनरशिप एंड डेट इंस्ट्रूमेंट जो अभी मैंने आपको समझाया, ओनरशिप एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका लेन देन खरीद बेच ये सब होता है यहाँ पे, है कि नहीं। देखो अब दोनों को अभी जरा इसके अंदर घुसते हैं, इन दोनों की आप रिस्क देखो, रिस्क मतलब देखो इंडस्ट्री वाले भी डूबने के चांस ज्यादा रहते हैं, गवर्नमेंट भी डूबने के चांस रहते हैं, ग्रीस व्रीस से आपको एग्जाम्पल पता लगा होगा। लेकिन हिस्टोरिकली गवर्नमेंट के जो भी, गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड जो भी सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी बोल रहा हूँ उसका मतलब आप ये समझ लो जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, ओनरशिप या डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी सिक्योरिटी रहती है ये इसका बहुत सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब बहुत सिक्योर रहती है, बहुत ज्यादा सिक्योर रहती है। अच्छा, सिक्योर मतलब रिस्क बहुत कम रहती है, रिस्क का तो नाम नहीं है यहाँ भाई। जब रिस्क बहुत कम रहती है क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए इसको गिल्ट एज मार्केट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गिल्ट एज मार्केट। क्यों बोला जाता है गिल्ट एज, गिल्ट मतलब बेस्ट क्वालिटी होती है ना गिल्ट, ठीक है। तो गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या है, गिल्ट एज सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट का हिस्सा है, जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सेफ होती है, रिस्क फ्री होती है, बहुत कम रिस्क होती है, रिस्क फ्री तो कुछ नहीं लाइफ में, और रिलायबल होती है। और इसीलिए आप बोलोगे गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड गिल्ट एज मार्केट है में बिकते हैं, है कि नहीं, गवर्नमेंट की चीजें। अच्छा, इंडस्ट्रियल, मान लो इंडस्ट्री भी तो पैसा जनरेट करती है थ्रू शेयर मार्केट, थ्रू बहुत सारे सिस्टम है उसके थ्रू, डोमेस्टिक फॉरेन, तो यहां से जो इंडस्ट्री पैसा जनरेट करती है वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। लेकिन प्राइवेट कंपनी का कोई भरोसा है, प्राइवेट कंपनी डूब गई तो जेब से कहां से देगा, जेब में नहीं रहता है लोगों को, तो इसका वैल्यू इंडस्ट्री का नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम रहता है। अब चलो देखते हैं। अच्छा, थोड़ा डिस्क्लेमर, प्लीज शेयर एनी गुड थिंग्स यू कम अक्रॉस ऑन इंटरनेट, दिस वीडियो इज ऑल्सो अमंग दोस रेयर गुड थिंग्स। अच्छा, ग्रामेटिकली करेक्ट,
सब्सक्राइब भी करो youtube.com/user/ ये वाला IASTOS, ठीक है। प्लीज शेयर कर दो भाई लोग, 10th मतलब कितने लाइक्स आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है उससे। देखो प्रिफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर में हम फर्क देख लेते हैं। प्रिफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर, हमने कहा जब ओनरशिप आपकी रहती है, यानी दोनों में कंपनी में ओनरशिप तो है आपकी, लेकिन इन दोनों में थोड़ा तरीका बदल जाता है पेमेंट का। पेमेंट का तरीका बदल गया बोले तो प्रेफरेंशियल शेयर में आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड कुछ नहीं होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कंपनी डिक्लेयर कर देती है कि इतना पैसा हम लोगों को, जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉफिट देंगे। यानी प्रॉफिट का जो हिस्सा ये शेयर होल्डर्स को जाता है वो क्या हो गया? डिविडेंड हो जाता है। तो इनका प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, कंपनी घाटे में जाए चाहे नफे में जाए इनको डिविडेंड मिलेगा, मतलब इनके लिए तो कंपनी प्रॉफिट में ही है। ये याद रखो आप कि प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो मिलना ही है, मतलब उनको तो फायदा होगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने कहा ना ये पूरे ओनर होते हैं, ये तो पार्शियल ओनर होते हैं प्रिफरेंशियल शेयर वाले। ये इक्विटी शेयर वाले ये पूरे ओनर होते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ज्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है। डिक्लेयर नहीं होता है पहले से कि इनको कितना डिविडेंड मिलना है, और इनको कम भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, इनको नहीं भी मिल सकता है, इनको माइनस में भी जा सकता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका मेजर डिफरेंस, डिफरेंस नंबर वन, और डिफरेंस नंबर टू पे। अगर कंपनी बंद हो रही है, अगर कंपनी भगवान ना करे ऊपर वाला ना करे बंद हो रही है, कंपनी बंद होने की सिचुएशन में, जो प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर है उनको पहले पैसा मिलता है, जितना ही कंपनी का बच्चा कुछ सामान कबाड़ी बेच के इनको पहले पैसा मिलता है, जबकि इनको बाद में मिलता है। इक्विटी शेयर्स को बाद में मिलता भी है, नहीं नहीं अगर इनको देते देते खत्म हो गया तो नहीं भी मिलता है, इनको मिलता भी है। तो प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बाद, पीएस के बाद, ठीक है। फिर आप पूछोगे लेकिन ये इतना दुख क्यों देखते हैं इक्विटी शेयर्स वाले, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। वो फायदा है कि जो इक्विटी शेयर है, प्रिफरेंशियल शेयर वाले नहीं, इक्विटी शेयर जिनका घाटा नफा दुख सुख में साथ है, वो लोग क्या होते हैं? मैनेजमेंट का हिस्सा भी होते हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकते हैं, और इनको वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी का जो डिसीजन होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी कंपनी के डिसीजन ऐसे थोड़े ले लिए जाते हैं कि बैठे और ले लिए ऐसे ही डिसीजन, नाजी जर्मनी थोड़ी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ वोटिंग राइट्स मिलते हैं इनको, बहुत बड़े बड़े डिसीजन पे वोटिंग होती है कि हाँ ये जो भी ये होते हैं वोटिंग करते हैं कि फिर मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, कंपनी में मैनेजमेंट का मजा हो रही है ना, ओनरशिप असली ओनरशिप है इनकी, है कि नहीं? इनकी नहीं है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कुछ नहीं, आराम करो पैसा लो मस्त रहो। दोनों को कंपनी वापस ले सकती है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर को रिडीम कर सकती है कभी भी, कभी भी रिडीम, मतलब कंपनी ने पैसा दिया और प्रेफरेंशियल शेयर वापस ले लिया, बोला नहीं बहुत हो गया आपका जितना पैसा है रखो। जबकि शेयर्स भी वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन वो बायबैक प्लान होता है इनका, बायबैक कहते हैं उसको, बायबैक शेयर बायबैक आप पढ़ोगे अखबार के अंदर। शेयर बायबैक मतलब कंपनी प्लान इश्यू करती है कि हम शेयर जो दिए हुए वो बायबैक करेंगे, और फिर जिनकी इच्छा है ना वही बायबैक, वही एक अच्छा खासा पैसा देंगे तभी दे सकते हैं। मतलब आप कंपल्सरीली इनसे ले नहीं सकते, जो शेयर होल्डर्स आपके हैं ना उनसे आप बायबैक नहीं, कंपल्सरीली नहीं कर सकते। चलो ठीक है, इतना इतना डिफरेंस तो खूब है, कितना डिफरेंस जानोगे? अभी आप बोलोगे ये डिबेंचर्स वगैरह क्या है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या है, दोनों में एक फर्क जान लो। बॉन्ड कुछ नहीं है, एक लॉन्ग टर्म पैसा जनरेट करने का एक तरीका है कि नहीं? ये किस में आते हैं ये दोनों? ये दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं कि नहीं आते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक कागज दे दिया, उस कागज के ऊपर लिख दिया भारत सरकार है हम 5 साल के लिए इतने रुपए ले रहे हैं, और इसके साथ कूपन अटैच रहते हैं। कूपन अटैच बोले तो 1-10 लाख का आपने लिया, इसके साथ कूपन लगे हुए 10-10 हजार के, एक हर एक महीने आप उस कूपन को रिडीम कर सकते हैं, ऐसा भी एक सिस्टम है। आप ये समझ लो लॉन्ग टर्म के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड और डिवेंचर में जब डिफरेंस देखोगे तो आप बोलोगे फिर डिवेंचर क्या है? डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं और बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड होते हैं। ये क्या फर्क है? सिक्योर्ड मतलब कुछ कुछ उसके पीछे
किसी चीज का गारंटी होना चाहिए ना, डिबेंचर में गारंटी होती है, बॉन्ड में किसी चीज का गारंटी नहीं होती उसके पीछे। अभी आप गारंटी बोलोगे, देखो कोई भी डिबेंचर के पीछे मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी या बिल्डिंग है या प्लांट, इन सब की गारंटी रहती है। तो आप यही कह सकते हो, सिंपल डिफरेंस मानो ना, डिबेंचर एक सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म या सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, इतना समझो। क्या है? सिक्योर्ड सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योर्ड डेट डेट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि बॉन्ड क्या है? अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। इतना फर्क समझ लो आप। अभी आप बोलोगे क्या प्योरली सारे इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर मतलब ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट और लोन इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है? सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, अभी मैंने तो ओनरशिप और आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में बता दिए सारे के सारे, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट बहुत आपको फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं आप? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक, ये लचकदार होते हैं एकदम। अभी ये जो लचक होती है ना, मतलब किधर भी मुड़ सकते हैं, इसलिए ऐसे डिबेंचर भी इश्यू करती है कंपनी। कंपनी ऐसे डिबेंचर भी इश्यू करती है जो कि किसमें, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे कन्वर्ट हो सकती है? मान लो आपने डिबेंचर खरीद लिया, आज के 2 साल बाद में वो ऑटोमेटिकली बोल दो शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपको ऑप्शन रहेगा, आप शेयर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये समझो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या इसको जो कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, मतलब डेट को, लोन को आप ओनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या उसको आप कन्वर्टिबल डिबेंचर बोल सकते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? और जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकने वाला डिबेंचर बोल सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। इस तरह से और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ रिजिड नहीं है कि सारे ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, मैं कह रहा हूँ तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है जो दोनों टाइप के, मतलब बीच में, दोनों के बीच में कहीं पे हो इस कॉन्टिनम में। अभी ये जितनी भी सिक्योरिटीज हमने देखी है ना अभी, यहाँ कौन सी सिक्योरिटीज, अरे लोन और डेट, डेट सिक्योरिटीज, ओनरशिप सिक्योरिटीज, ये सब कहाँ बिकती है? ये एक तो फर्स्ट टाइम बिकती है, फ्रेश बिकती है, एकदम वर्जिन, तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, है कि नहीं? जो एक बार बिके फिर दूसरी बार किसी दूसरे तीसरे हाथों में मिलती है, उसको सेकेंड हैंड मार्केट, मतलब सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड हैंड मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। हमने तो अभी तक देखा क्या बिकता है, क्या कैसे कंपनीज पैसा जनरेट करती है। भाई पैसा जनरेट करना हमारे जानना बहुत जरूरी था ना, कैसे जनरेट करती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हमारे पास, शेयर बॉन्ड, ये कंपनी अपने हिसाब से कैसे उनको चाहिए, है ना, अपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन क्या कहता है, इन सब के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट जारी कर दिए। और कैसे जनरेट करना है पैसा, तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आपको समझना पड़ेगा। मार्केट क्या होता है? जहां लेन देन होती है, ठीक है? और ये समझने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी समझने के लिए, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किए गए जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो सब देखना पड़ेगा। तो हम अब शुरुआत करेंगे आपकी एनएससी, बीएससी है ऐसा, उससे सबसे पहले हम सेबी देखेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद ये एनएससी बीएससी तो सब बच्चा है ऐसे, तो स्टॉक एक्सचेंज है ये सब, सेबी देख लेंगे, और किस तरह से इश्यू होता है वो सब अगले वीडियो में। चलो शेयर शेयर करो और लाइक करो, और क्या, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।